हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन विद टिप्स। आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब होता है इंटरनल मतलब अंदर, फर्टिलाइजेशन होना। फर्टिलाइजेशन होता है प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में हम लोग देखते हैं इट्स अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। ये फीमेल बॉडी के इंसाइड होगा क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो मेल ट्रांसफ़र करेगा स्पर्म, तो वो फीमेल बॉडी के अंदर डायरेक्टली ट्रांसफ़र करेगा, डायरेक्टली वो फीमेल बॉडी के इंसाइड फर्टिलाइजेशन होगा। ओनली मेल गैमिट आर रिलीज फ्रॉम द बॉडी। केवल मेल गैमिट ही रिलीज होगा क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है। केवल मेल गैमिट रिलीज होगा और जो मेल गैमिट्स हो वो फीमेल गैमिट्स में जाके फर्टिलाइज हो जाएगा। तो लेस नंबर ऑफ गैमिट्स आर रिलीज, कम नंबर रिलीज होगा क्योंकि श्योर मेथड है, इट इज अ श्योरर मेथड। श्योरर मेथड क्यों कम हो, क्योंकि जहाँ पर फर्टिलाइजेशन साइट है डायरेक्टली हम वहीं पर स्पर्म्स को रिलीज कर रहे हैं या फिर मेल गैमिट्स को रिलीज कर रहे हैं, तो लेस नंबर की ज़रूरत होगी क्योंकि वो जहाँ पर फर्टिलाइजेशन साइट है हम लोग डायरेक्टली वहीं पर रिलीज कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन आसानी से हो जाएगा। द यंग वन आर प्रोटेक्टेड इन द अर्ली डेवलपमेंट। अब अर्ली डेवलपमेंट मतलब शुरुआती दौर पर जो यंग वंस होंगे वो प्रोटेक्टेड होंगे। प्रोटेक्टेड क्यों होंगे, क्योंकि वो फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइज हुआ है, डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर होगा। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, प्लांट्स में ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म हो गया, और एनिमल में रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स, मैमल्स। हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है जो वो फीमेल बॉडी के बाहर होगा। एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर, फर्टिलाइजेशन जो होगा फीमेल बॉडी के बाहर होगा। फीमेल बॉडी के बाहर जब होगा फर्टिलाइजेशन तो फीमेल बॉडी की जो गैमेट्स होंगे और मेल बॉडी के जो गैमेट्स होंगे दोनों ही बाहर निकलेंगे, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है मेल और फीमेल दोनों का गैमेट जो होगा बाहर रिलीज होगा। लार्ज नंबर ऑफ गैमेट रिलीज इन द सेकेंड सराउंडिंग मीडियम। लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स क्यों ज़रूरत होगी, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट इसलिए ज़रूरत होगी क्योंकि जब हम लोग एक्सटर्नली किसी मीडियम में, जैसे हम लोग मीडियम जनरली वाटर लेते हैं, फ्रॉग के थ्रू हम लोग समझते हैं, फ्रॉग जो वाटर में अपना मेल गैमेट्स भी वाटर में आता है फीमेल गैमेट्स में, कुछ वाटर करेंट से गैमेट्स बह जाते हैं, कुछ फिशेस खा जाती हैं, कुछ टेम्परेचर प्रेशर टेम्परेचर की वजह से कुछ जो गैमेट्स होते हैं लॉस हो जाते हैं, इसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करना पड़ता है। यंग वन डेवलप फ्रॉम द बिगनिंग, तो यंग वंस होते हैं बिगनिंग से ही अनप्रोटेक्टेड होते हैं क्योंकि किसी भी बॉडी के अंदर नहीं प्रोटेक्टेड होते। यंग वन जो डेवलप होते हैं वो बॉडी के बाहर होते हैं। द बोनी फिशेस हो गया, एम्फीबियंस हो गए और बहुत सारे एल्गी हो गए। अब इसको हम लोग कंपेरेटिवली देखते हैं, मतलब दोनों एक साथ देखते हैं, कंपेयर करके देखेंगे तो हम लोग को बेटर समझ में आएगा। इट अगर आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, फीमेल बॉडी के आउटसाइड क्योंकि ये एक्सटर्नल है, आउटसाइड ये फीमेल बॉडी के अंदर होते हैं, इनसाइड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद बोथ द टाइप ऑफ गैमेट्स रिलीज फ्रॉम बॉडी, दोनों टाइप ऑफ गैमेट्स इसलिए रिलीज होंगे बॉडी से, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, किसी के बॉडी के अंदर नहीं होता है, मेल या फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होता है। इसमें मेल गैमेट्स जो बस वो रिलीज हो क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। हम लोग लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होता है सराउंडिंग में, लेस नंबर ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, लेस नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। श्योरर मेथड है क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो गैमेट्स रिलीज होते हैं सराउंडिंग में वो या फिर लॉस्ट हो जाते हैं या उसके फंक्शन लॉस हो जाते हैं, कुछ वाटर करंट से बह जाते हैं, इसकी वजह से ये श्योरर मेथड है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यंग डेवलप अनप्रोटेक्टेड फ्रॉम द बिगनिंग, बिगनिंग से ही अनप्रोटेक्टेड हो क्योंकि वो किसी के बॉडी के अंदर नहीं बन रहा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में डेवलप्ड हो रहा है। यंग वन आर प्रोटेक्टेड इन द अर्ली डेवलपमेंट, यंग वन अर्ली डेवलपमेंट शुरुआती दौर पर जो यंग वन होगा वो प्रोटेक्टेड होगा। उसके बाद हम लोग देखें बोनी फिशेस हैं, एम्फीबियन है, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स।